नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन ध्यान से बोलूंगा, उसको सुनना और फिर अपनी अपनी बुक के अंदर ढूंढना, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें तो वो क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं, मिस्टर राम बिहारी, देखो इस क्वेश्चन को तो तुम आराम से ढूंढ सकती हो क्योंकि नाम दे रखा है। मिस्टर राम बिहारी हैज हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक। बहुत ही बढ़िया भाई, इसका बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। खैर उससे हमें तो कुछ नहीं करना, क्या अच्छी बात है बता दी तो। दिल्ली, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस एज 31 दिसंबर, और ईयर में नहीं बोल रहा, तो देखो 31 दिसंबर का बैलेंस इसका बता रखा है और ये इसका कैश बुक का बैलेंस है। देखो ये जो लिखा हुआ होता है ना बैंक बैलेंस, इससे ये मत सोचना कि ये पासबुक का बैलेंस दे रखा है। बुक तो पहले लिखी हुई है, ध्यान से देखा नहीं तुमने, बुक तो पहले लिखी हुई है, ये कैश बुक का बैलेंस है। देखो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ये उस बैंक की बात हो रही है ना कि ये बैंक अकाउंट की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? तो कैश बुक का बैंक बैलेंस का मतलब है वो कैश बुक वाला बैलेंस ही है। लिख दो, लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, इस बार नहीं लिखने वाला मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कितने बताए थे भाई? ले लो 72, 950, ठीक है, 72,950 रुपये कैश बुक का बैलेंस था। आगे देखते हैं, ही सेंट चेक्स 90,075, देखो व्हाट पे, इसने 90,075 रुपये के चेक, बहुत ही बढ़िया चीज है यार, 90,075 रुपये के चेक इसने भेजे। सेंट का मतलब क्या होता है? भेजना। टू हिज बैंक, बहुत ही बढ़िया, बैंक में भेजे भाई, भाई अक्सर बैंक में भेजते हैं। और मुझे बताओ बैंक में जैसे ही तुम चेक भेजते हो फॉर कलेक्शन, देखो कलेक्शन के लिए है ना, देखो व्हाट पे, तुमने इतने रुपए के चेक उठाए और कहां पर भेज दिए? बैंक में भाई, अपने अकाउंट में भेजे होंगे, किसी और के अकाउंट में क्यों भेजेंगे? तुमने चेक उठाकर अपने बैंक में भेज दिए और बैंक वालों को ये चेक क्या करने चाहिए? कलेक्ट करने चाहिए। कलेक्ट का मतलब समझते हो? कलेक्ट का मतलब है इस चेक की एंट्री तुम्हारे अकाउंट के अंदर करनी चाहिए। कलेक्ट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने तुमसे चेक लिया और इस चेक को तुरंत उसी समय तुम्हारे अकाउंट के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया। बताओ क्या ऐसा होता है? क्या तुरंत ऐसा होता है? नहीं, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है कि बैंक तुरंत डाल दे, है ना? फिलहाल हम तो इसीलिए भेजते हैं, खैर कलेक्शन हो जाए, लेकिन हाँ 2 या 3 दिन में हो जाता है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बट चेक्स अमाउंटेड टू रुपीज, इसमें से सिर्फ इतने चेक 43,769, 43,769 वर नॉट कलेक्टेड। बताओ, देखो बोर्ड पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि इस वाली एंट्री पर टिक कर लो। अब आने लायक क्वेश्चन हमारे यहां से क्या हो गए? स्टार्ट। आने लायक क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बढ़िया एंट्री है वाली। देखो तुमने इतने रुपए के चेक बैंक, अच्छा चलो पहले मैं छोटे लेवल पर पूछता हूं तुमसे। देखो वट पे, मजाक की बात है ये तो, खैर जो मैं बताने वाला हूं लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो तुमने 10 रुपए का चेक बैंक में भेजा, कितने रुपए का चेक भेजा? 10 रुपए का। लेकिन बैंक वालों ने ना इसमें से, मुझे बताओ जब बैंक में तुमने 10 रुपए का चेक भेजा है तो तुम्हारी पासबुक कितने से बढ़नी चाहिए? पूरे 10 रुपए से बढ़नी चाहिए। तुम्हारी पासबुक पूरी की पूरी कितने से बढ़नी चाहिए? 10 रुपए से बढ़नी चाहिए। लेकिन बैंक वालों ने क्या करा, 4 रुपए का चेक अभी तक कलेक्ट नहीं करा है और 6 से बढ़ा दिया। सिर्फ कितने से कलेक्ट करा? 6 से, 4 से अभी तक कलेक्ट नहीं करा। मुझे बताओ पूरे 10 से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बैंक वालों ने पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ा रखी है? 6 से, 4 से अभी तक नहीं बढ़ाई है। देखो 6 से बढ़ा दी वो तो अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, है ना? उसका तो हमें कोई
हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलेंगे 4 से क्यों नहीं बढ़ाई, जो काम नहीं किया है वो बात गलत है, जो काम कर दिया वो ठीक है। देखो 4 रुपए से अभी तक नहीं बढ़ाई तो मुझे बताओ मेरी पासबुक कम चल रही है ना, कितने से कम चल रही है, 6 रुपए से या 4 रुपए से? भाई 4 रुपए से कम चलेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पासबुक के अंदर 4 रुपए की एंट्री नहीं करी है, जबकि करनी चाहिए थी, 6 की तो कर दी, 4 की नहीं करी। 4 रुपए से मेरी पासबुक क्या चल रही है? कम। अब जरा इधर आ जाओ वापिस इस क्वेश्चन पर। तुमने इतने चेक जमा कराए थे तो मुझे बताओ तुम्हारी पासबुक भी कितने से बढ़नी चाहिए थी? पूरे इतने अमाउंट से बढ़नी चाहिए थी, जितने तुम चेक जमा कराते हो उतने से ही तो तुम्हारी पासबुक बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इसमें से इतने चेक बैंक वालों ने अभी तक क्या नहीं करे, कलेक्ट नहीं करे। बोर्ड पे देखो इतने रुपए के चेक अभी तक कलेक्ट नहीं करे, और अगर अभी तक कलेक्ट नहीं करें तो मेरी पासबुक बढ़ी हुई चल रही है कम चल रही है? कम चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो कलेक्ट कर लेते, मतलब वो पैसा मेरे अकाउंट के अंदर डाल देते, तो मेरी पासबुक बढ़ जाती, लेकिन कलेक्ट नहीं करा। और अगर कलेक्ट नहीं करा है तो मेरी पासबुक क्या चल रही है? कम चल रही है। कलेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम चेक देकर आते हो तो उस चेक को तुम्हारे अकाउंट के अंदर डाल देंगे, वो ऐड कर देंगे। और अगर कलेक्ट नहीं करा है तो तुम्हारी पासबुक के अंदर अभी नहीं डाला गया है तो तुम्हारी पासबुक क्या चल रही है? कम। और अगर पासबुक कम चल रही है तो तुम अपनी कैश बुक को भी क्या करोगे भाई, बोलो? अगर तुम अपनी पासबुक को गलती से कम कर बैठे हो तो तुम्हें अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि बराबर हो जाए, है ना? इस पूरे का कोई काम नहीं था। काम किसका था? इसका। देखो उसी गलती को तो ठीक करोगे जो गलती हुई है, या पूरे को ठीक करने में लग जाओगे? नहीं, गलती सिर्फ किसकी हुई है? इसकी, कि ये कलेक्ट नहीं करा। गलती सिर्फ इस बात की है कि ये कलेक्ट नहीं करा, बाकी पूरे से मतलब नहीं है हमें, हमें पूरे से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो जितने कलेक्ट नहीं करें वो है प्रॉब्लम, जितने कलेक्ट कर ली है वो तो अच्छी बात है, ठीक है? तो स्टेटमेंट बड़ी सिंपल आएगी, देखो क्या लिखेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है? कितने के थे भाई, मैं तो भूल ही गया। 43,769, 43,769 यही आया था ना माइनस। पासबुक क्या चल रही थी? कम, ठीक है? आगे देखते हैं। आउट ऑफ चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, इशूड बाय हिम पेमेंट ऑफ हिज डेट, चेक्स 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड। देखो मैंने ना किसी डेट को, डेट का मतलब होता है देनदार, पैसा देना था इसको, मैंने इसको चेक इशू करा, और कितने रुपए का? 29,344 मैंने इसको चेक क्या दिया, करके इशू करके दिया कि भाई ये ले चेक और निबट जाके यहां से, मुझे इसको पेमेंट देनी थी, मैंने इसको चेक दे दिया उठाकर, है ना? मुझे बताओ इस चेक को लेकर घर पर सोता रहेगा बैठ के? ये नहीं, इस चेक को लेकर कहां पर जाएगा? बैंक में। बैंक वाले क्या दे देंगे? पेमेंट। लेकिन तब जब ये चेक लेकर जाएगा, जब ये चेक लेकर जाएगा, क्या बैंक वालों को सपने आ रहे हैं इसे बुलाने आएंगे कि भाई पेमेंट ले ले आके? नहीं ना, बैंक वालों को सपने तो छोड़ो, अगर ये जाएगा भी ना और तो भी बैंक वालों का दिमाग घूम गया तो मना भी कर सकते हैं इसको। तो पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये अभी तक चेक लेकर मेरे अकाउंट में नहीं गया। देखो अब ये चेक लेकर जाएगा और क्या बोलेगा, ये लो चेक और मुझे पैसे दे दो कैश। वो क्या करेंगे, चेक लेंगे, पैसा दे देंगे, पासबुक से क्या कर देंगे, काट देंगे, कम हो जाएगी ना पासबुक। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या वो चेक लेकर चला गया? नहीं गया। क्या बैंक वालों ने पेमेंट कर दी? नहीं करी। अगर पेमेंट कर देते, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर वो पेमेंट कर देते तो
तो मेरी पासबुक क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन क्या उन्होंने मेरी पेमेंट, क्या उन्होंने उस बंदे को पेमेंट दे दी? नहीं दी ना। तो पासबुक कम चल रही है या बड़ी हुई चल रही है? देखो कम तो नहीं चल रही, इसका मतलब बड़ी हुई चल रही है। और अगर पासबुक बड़ी हुई चल रही है तो हम भी अपनी कैशबुक को क्या कर लेंगे, वापिस से बढ़ाएंगे, और उतने से ही बढ़ाएंगे जितने का हिसाब है। कितने का हिसाब है? 29,344। और स्टेटमेंट तुम्हें मालूम है, नॉट प्रेजेंटेड है ना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है ना। अब इसका देखो लास्ट एंट्री थी ना, ठीक है बस इतना ही था। इसका बैलेंस वगैरह बनाना भाई अपने आप, मैं चेक कर सकता हूँ इसका आंसर, इसलिए प्रॉपर तरीके से जरूर बनाना।